We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी आज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था 36833 पे, हाई बनाया इंट्राडे 37659 पे, 36818 का लो था और 37371 का हाई था, जो हमको चार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ब्लू लाइन जो है वो हमारा वीकली वैल्यू जोन है, रेड लाइन जो है वो हमारा डेली का वैल्यू जोन है, जैसा कि हमने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। वीकली वैल्यू जोन के अंदर ही बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। गैप डाउन डेली वैल्यू जोन के बाहर हुआ था, लेकिन उसको जो है वो रीगेन कर लिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी में भी वही कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है जो निफ्टी में हुआ है, एक बुलिश मारा बुजो कैंडल का हुआ है। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि ये बेहतरीन कैंडल है, बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल जो है वो बहुत ही बड़ी बनती है। ओपनिंग जो है वो ऑलमोस्ट लो के करीब हुई है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज का ओपनिंग जो है वो 36833 पे हुआ था और 36818 का लो है, तो ऑलमोस्ट जो है वो लो के आसपास ही ओपन हुआ था। थोड़ा सा हाई से लास्ट आवर में जो है वो मार्केट ने सेल ऑफ आया, लेकिन ओवरऑल यदि हम ट्रेंड का डायरेक्शन देखें तो वो बॉडी के 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो काफी ही अच्छा कैंडल जो है ये माना जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वीकली वैल्यू जोन को उसने ब्रेक नहीं किया, डेली वैल्यू जोन को उसने क्लोजिंग बेसिस पे रिगेन किया। साथ ही साथ उसने आज वीकली पिवट को जो 37570 था, वीकली पिवट को उसने टेस्ट किया। हमारे निफ्टी वाले वीडियो में जो है वो मैंने आप लोगों को बोला कि निफ्टी ने S1 को टेस्ट किया, लेकिन पिवट को जो है उसने रीगेन नहीं कर पाया इंट्राडे में। पर बैंक निफ्टी ने S1 को टेस्ट नहीं किया और पिवट को टेस्ट किया, तो इसका चार्ट जो है वो इंटरनली काफी बुलिश है एज कंपेयर टू निफ्टी। यदि हम इन दोनों इंडेक्स की बात करें तो टू डे वैल्यू रिलेशनशिप जो वीकली बेसिस पे हमारा है वो बैंक निफ्टी का स्ट्रांग है, निफ्टी का थोड़ा वीक है। ज्यादा रिसर्च करने के लिए आप पिवट बॉस जो फ्रैंकलिन ओकोवा ने लिखा है आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। मैं अपने सारे वीडियो में हमारे सोर्स को मैं आप लोगों के साथ जो है वो ओपनली शेयर करता हूं कि आप किस तरह के बुक्स को पढ़ें, जो और भी ज्यादा आप इसमें डीप स्टडी कर सकते हैं, तो आप इस बुक को जो है वो रेफर कर कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हमारा आज का वैल्यू जोन था। अब कल के लिए जो बना है तो ब्लू लाइन तो हमारा कांस्टेंट रहेगा वीकली पे, लेकिन हमारा डेली जो बना है वो 37924 आज तो ये हम बना देते हैं कल के लिए, जो कल हम जब डिस्कस करेंगे 37924 का हाई है और 37083 तो इनसाइड वीकली वैल्यू जोन के अंदर ही ये वैल्यू जोन बना है। टू डे का वैल्यू जोन जो है वह हमारे लिए बुलिश है और वीकली में भी जो है यदि हम देखें तो वहां पे हमको बुलिश, सिर्फ एक ही चीज देखने वाली बात होगी, जो निफ्टी में जैसे 16,800 का मल्टीपल टाइम्स जो है वो टेस्ट हो चुका है, सेम वे 36,700 1, 2, 3 ऑलमोस्ट 4 और 5 बोल सकते हैं आज का मिला करके, तो ये जोन जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इट मे हैपन कि कल जो है वो मार्केट इसी वैल्यू जोन के अंदर ओपन हो और इसका रीटेस्ट करे इस जोन का, फिर ऊपर यदि जाना हो तो ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कल अगेन मार्केट इस वैल्यू जोन के बाहर ओपन हो, यदि बाहर ओपन होगा तो हमारा सेलिंग प्रेशर जो है वो और भी ज्यादा इंटेंस हो सकता है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ है जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, चार्ट पैटर्न जो लोग फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। और साथ ही साथ कुछ लोग जो है वो इसको निफ्टी में जिस तरह से वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर बनाया तो सेम वेव फॉर्मेशन जो है उन लोग कुछ लोगों को ये दिखाई देगा। बात वही है कि कोई भी चार्ट फॉर्मेशन है यदि लेवल टूटता है 36700 कल के लिए जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा, जस्ट लाइक निफ्टी 16,800 जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यदि ये दोनों होल्ड करता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आगे की बुलिश जर्नी जो है वो जारी रह सकती है। तो आशा करता हूँ कि हमारा आज का ये एनालिसिस जो है वो आप लोगों को पसंद आया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।